हेलो फ्रेंड्स uh, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टैट प्रो में मतलब हम क्या काम करते हैं मतलब कैसे काम करते हैं इसका वैसे मेन फंक्शन होता है कि किसी भी बिल्डिंग का मतलब मॉडलिंग बनाना मॉडलिंग बना करके हमको मतलब उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना उसमें प्रॉपर लोडिंग लगाना लोड कॉम्बिनेशंस बनाना उसके बाद कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर uh, लेकिन आज हम मतलब इसमें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए इनिशियल लेवल पे आपको क्या वर्क करना पड़ता है वो सब चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे कि मतलब इसमें जॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं मतलब मेंबर को कैसे कनेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को काम करने के लिए कितने मैथड्स का यूज़ किया जा सकता है और किस से जल्दी से जल्दी बन सकता है आज हम आपको ये सब चीज़ें डिटेल में बताएँगे तो ये मेरा स्टार्ट प्रो है और मैंने इसको खोल दिया और ये देखिए मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और हम एक मतलब क्योंकि ये सब कुछ नया है तो हम एक नया प्रोजेक्ट ही बना करके चलेंगे आ, वैसे कभी कभी क्या होता है स्टैटे बने बनाए मॉडल पर भी वर्क कर सकते हैं लेकिन हम अभी नया मॉडल बनाएंगे अच्छे से मतलब फ्रेश तरीके से मतलब कि आपको जैसे कि डिटेल में समझ में आए जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जैसे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो ये हमारा एक इंटरफेस खुल के आया कि जैसे स्पेस स्पेस का मतलब कि आपको कोई फ्रेमड स्ट्रक्चर बनाना है थ्री डी स्ट्रक्चर जैसे रियल में हमारी जो बिल्डिंगें है होती हैं तो उसमें हम स्पेस के लिए क्लिक करते हैं और प्लेन प्लेन मतलब कि जैसे कि हमारे जैसे हम बुक में पढ़ते हैं कैंटीलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ओवरहैंग टू डी प्लेन के मतलब जनरली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका इस प्लेन पे क्लिक करके उसकी हेल्प से एनालाइज होते हैं ये फ्लोर का ऑप्शन है इस फ्लोर से हम लोग जनरली डायरेक्ट एक फ्लोर बना सकते हैं और ये हमारा ट्रस है क्योंकि ट्रस एक अलग स्ट्रक्चर होता है तो उसकी मतलब उसका इंजीनियरिंग भी अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग होता है तो इसके लिए एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है इसके बाद हमारा यहाँ पर है फाइल नेम हम इसमें फाइल नेम जो भी हम बनाना चाहते हैं जो नाम रखना चाहते हैं हम वो नाम रख सकते हैं जैसे कि मैं अभी इस फाइल का नाम रखता हूँ कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट वन और ये इसकी लोकेशन है ये आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहाँ करना है जैसे भी करना है ये हमारी यूनिट्स हैं यूनिट्स हमारा जो ऐसा यूनिट होता है ये हमारा मीटर होता है और मैंने इसको जैसे आ, मैं अपनी उस पर करता हूँ कि मैं किलो न्यूटन इसका लेके चलता हूँ जनरली हम लोग किलो न्यूटन में ही कुछ भी पढ़ते हैं तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद ये बाई डिफ़ॉल्टे अपने आप बोलता है एड बीम तो इसको आप एड बीम पर ही रहने दीजिए और इसके बाद कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा सिर्फ फिनिश का ही आ रहा अपने आप क्लिक हुआ पड़ा है पे क्लिक कर दीजिए ये अपने आप एक देखिए एक सॉफ्टवेयर जैसे खुल चुका है है अपने आप इसने अपना सारा इंटरफेस खोल के रख दिया इसमें ये बहुत सारी चीजें हैं ये जो भी चीजें हैं इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन इस लेक्चर में क्योंकि ये लेक्चर नंबर वन है तो इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए मतलब कि जॉइंट कोऑर्डिनेट्स सबसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हम लोगों को हम लोग एक सैंपल उठाते हैं मतलब कि कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसकी जिसके लिए हम जॉइंट कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो मेरे पास एक फाइल है ये मेरे पास एक फाइल है ये, फाइल है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरी एक बिल्डिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में इसके दो बे हैं एक्स डायरेक्शन में एक ये बे है पूरी और एक ये बे है पूरी इनकी स्पेसिंग इक्वल है थ्री मीटर और थ्री मीटर सिमेट्रिकली मतलब उसी तरह मैं अगर देखता हूँ जेड डायरेक्शन में मैं एक चीज सबसे पहले इसमें क्लियर कर दू आपको कि आपकी बिल्डिंग का ये डायरेक्शन आपका एक्स होता है और ये जो टॉप की तरफ है टॉप का मतलब वर्टिकली नहीं कोई भी बिल्डिंग जो खड़ी होती है उसकी वर्टिकली जो हाइट होती है स्टाइट्रो में उसे हम लोग जेड बोलते हैं और उस अगर किसी बिल्डिंग का प्लान जैसे कि हमारा प्लान है तो इस प्लान में ऑब्वियसली ये एक्स डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है जो वर्टिकली हमको प्लान में दिख रही है ये एक्चुअली में बिल्डिंग की दूसरी डायमेंशन है हम लोग इसको बिल्डिंग की हाइट नहीं कह सकते हैं तो ये हमारा इसमें मतलब स्टार्ट प्रो में ये डायरेक्शन हमारी जेड डायरेक्शन होती है और बिल्डिंग की जो हाइट जो रियल में होती है वो हमारी वाई डायरेक्शन होती है ये स्टार्ट श्टा... प्रो में ये चीज होता है तो हम जैसे देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में एक्स डायरेक्शन में दो बे हैं हमारी तीन तीन की स्पेसिंग पे है तीन मीटर तीन मीटर और अगर आप सिमेट्रिकली अगर आप जेड डायरेक्शन में देखें एक दो तीन चार पाँच तो जेड डायरेक्शन में पांच हमारे बेज हैं और सबकी स्पेसिंग मैंने ए, क्योंकि ये इसको मैं सिंपली तरीके से मैंने बनाया है आगे हम लोग ज्योमेट्री और डिफिकल्ट भी करेंगे लेकिन स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल सिंपल से करेंगे तो इसमें हमारे पांच बेस हैं एक दो तीन चार पाँच और इन सबकी हमारी जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म है यहाँ तक मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मतलब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो बहुत सारे मेथड्स से मैं आपको पहले रफली ही एक आपको बता देता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट जो है आपका मतलब पहला बे तीन और तीन तीन मीटर की स्पेसिंग पे है तो मैं अपना खोलता हूं। से पहले एक फाइल और आप लोगों को बताता हूं मैं ये मेरी बिल्डिंग का वही बिल्डिंग का प्लान है ये देखिए इसमें मैंने उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया है मैंने क्या किया इस पूरी बिल्डिंग का बिल्कुल लेफ्ट और इस बिल्डिंग का पूरा बॉटम ये जो कॉलम आया मैं इस कॉलम को स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा यहां से मेरा एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव चलेगा यहां से मेरा जेड डायरेक्शन नेगेटिव चलेगा ये चीज आपको याद रखना है ये चीज मतलब फिक्स है ये चीज स्टैंड में ये चीज आपको करनी है तो जैसे कि अगर मैं पूछ बोलूंगा आपको यहाँ से x ये कॉलम कितनी दूरी पे है तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ से ये x तीन मीटर की दूरी पे है ठीक है उसके बाद ये सारे रोज देखूंगा मैं ये सारे कॉलम्स अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से इस जीरो जीरो पॉइंट से ये कॉलम हमारे छह मीटर की दूरी पे है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उसी तरह मैं अगर इन कॉलमों की बात करूं इन कॉलमों की तो यहां से मेरा ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जीरो जीरो यहां से ऊपर चार मीटर जाऊंगा तो ये माइनस का चार मीटर जेड की वैल्यू यहां पर आऊंगा तो यहां पर माइनस आठ यहां माइनस बारह यहां माइनस सोलह यहां माइनस का बीस अगर मैं पहले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्स कितना है इसका जीरो और इसी कॉलम का z कितना है तो वो भी जीरो है तो इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स और जड जो है जीरो है उसी तरह मैं इसका दूसरा कोऑर्डिनेट देखता हूं दूसरा कॉलम का कोऑर्डिनेट तो इसका एक्स कितना है इसका एक्स है इसका प्लस का का और इसी कॉलम जेड डायरेक्शन है वो जीरो मीटर है सिमिलरली आप अगर इसका देखते हैं आप करेंगे बहुत सारे हो जाएंगे मैं रफली आपको एक बता देता हूं इसका देख लेते हैं हम ये कॉलम ये कॉलम का एक्स जो है वो यहां से तीन मीटर की दूरी पे है इस कॉलम का और इसी कॉलम का जो जड है जो कि जीरो जीरो लाइन से माइनस आठ मीटर की दूरी पे है देख रहे हैं तो इसी के हिसाब से हम मतलब अब हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हालांकि मेथड बहुत सारे हैं लेकिन मैं पहले सिंपली बताऊंगा फिर मैं कोऑर्डिनेट्स को फिल करना बताऊंगा तो ये मैंने स्टार्ट प्रो ओपन कर दिया है मेरा ये मेरा पहला नोड है मैं नंबरिंग भी उसी हिसाब से करूंगा कि ये मेरा नोड नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन मतलब मेरे कॉल नो जो नोड्स हैं कॉलम के वो जो जनरेट हो वो एक सीरियल नंबर से चले वन टू थ्री ऐसे सिमिलरली करते हुए एटीन पे यहाँ पर आकर के ख़त्म हो तो हम वैसे ही करते हैं सबसे पहले हम नोट नंबर वन बनाते हैं हमारा नोड नंबर वन का जो एक्स है वो जीरो है और जेड जो है वो भी जीरो है और वाई हमारा अभी क्योंकि हम लोग जीरो जीरो पे बना रहे हैं बिल्डिंग बिल्डिंग की हाइट से मतलब है हम इसको अभी जीरो ही रखते हैं ये मेरा बन गया अब मेरे को इसका नोड नंबर देखना है तो कमांड होती है एक शिफ्ट एन शिफ्ट एन के दबाते ही ये मेरा नोड का नंबर आ गया यहाँ से मैं प्लान है देखिए ये मेरे व्यूज हैं फ्रंट व्यू है देख रहे हैं थ्री डी डायग्राम में ये येलो पोर्शन दिखाता है कि आप बिल्डिंग को उस डायरेक्शन से देख रहे हैं यह है जैसे मेरा फ्रंट व्यू व्यू है मेरा बैक व्यू। उसी बिल्डिंग को पीछे से देखने पर ये है मेरा बिल्डिंग का लेफ्ट व्यू यह है राइट व्यू यह मेरा बिल्डिंग का प्लान मतलब कि टॉप व्यू यह मेरे बिल्डिंग का बॉटम व्यू और यह है मेरा बिल्डिंग का थ्री तो मैं क्योंकि हमारा ये जो डायग्राम है ये प्लान है मतलब कि इसको मैं टॉप से देख रहा हूं तो मैं यहां पर टॉप व्यू पे क्लिक कर लेता हूं ये मेरा क्लिक हो गया है। अब मैं नोड नंबर दो बनाता हूं नोड नंबर मेरा दो था तीन मीटर की दूरी पे एक्स और उसका जेड भी जीरो पर ही था सिमिलरली अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि यहां से यहां तीन मीटर की दूरी पे है और यहां से यहां तीन मीटर की दूरी पे है तो आप यहां से यहाँ तीन मीटर पे भी कॉपी कर सकते हैं से यहां से यहाँ तीन मीटर पे कॉपी कर सकते हैं सिमिलरली इन तीनों यहां से यहां कॉपी कर सकते हैं फिर यहां से यहां कॉपी कर सकते हैं या आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट छह मीटर की दूरी पे यह कॉपी कर सकते हैं और आप चाहो तो फिर इन तीनों कॉलमो को सिलेक्ट करके चार चार मीटर की स्पेसिंग पे ये सारे कॉपी कर सकते हैं मैं आपको सिंपली करके दिखा देता हूं यहां से ये मेरा तीन मीटर की दूरी पे है इसका कोऑर्डिनेट भी आ चुका है और यहीं से मैं इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक्स की वैल्यू थ्री ये देखिए ये मेरे तीन नोड बन चुके हैं नोड नंबर वन नोड नंबर टू नोड नंबर थ्री अब मैं क्या करता हूं इन्हीं नोड को कॉपी कर देता हूं जेड डायरेक्शन में क्योंकि मैंने ये तीन नोड तो बना लिए लेकिन इन्हीं तीनों नोडों को अगर मैं सिंपली कॉपी कर दूं तो वो मेरे यहाँ पर आ जाएंगे तो Z में हमें कॉपी करना है और उस डायरेक्शन आएगी माइनस की और साइन आएगा माइनस का और वैल्यू आ जाएगी माइनस का चार तो मैंने इन तीनों को कॉपी सेलेक्ट कर लिया है ये मेरा नोट कर्ज़र है नोट कर्जर का मतलब अभी तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमने नोट बनाया है कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है तो बिल्डिंग जब बन जाती है तो उसमें नोट के साथ साथ प्लेट्स भी लगते हैं और बीम्स भी लगते हैं तो आप एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये मेरा नोट कर्जर है तो मतलब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप अपनी बिल्डिंग के सारे के सारे नोट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो या जो भी ऐसे हम स्लाइड करके करते हैं सिमिलरली हमारा बीम है अगर इसको सेलेक्ट करके आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी पूरी बिल्डिंग का बीम सेलेक्ट करेगा सिमिलरली ये सिलेक्शन ऑफ प्लेट है तो इससे हम अपनी बिल्डिंग के पूरे प्लेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे मॉडल में सिर्फ मतलब सिर्फ नोड ही बने पड़े हैं तो यहां से आपके सिर्फ नोड ही देखिए सेलेक्ट होंगे ठीक है अब हम इसको Z डायरेक्शन में माइनस का चार मीटर कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी Z की वैल्यू माइनस फोर ये देखिए मेरे नोड नंबर बिल्कुल सीरियल में चल रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलरली आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि आप मेरा प्लान देखेंगे बिल्डिंग का तो ये चार चार मीटर की इक्वल स्पेसिंग पे है ठीक है तो आप नए बने हुए नोड को दोबारा चार मीटर पे कॉपी करेंगे तो ये अगले चार बन जाएंगे तीन नोड सेम इसको चार मीटर पे कॉपी करेंगे तो ये नए बन जाएंगे सिमिलरली ये आपका यहां तक बन सकता है तो हम डायरेक्टली अब वही कर देते हैं ये सेव की कमांड मांगता है बाईल इसको आप सेव करते चलिए हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी वी माइनस चार कंट्रोल सी वी माइनस चार कंट्रोल सी वी। यहाँ पर आप देखिए आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जेड डायरेक्शन में एक दो तीन चार पाँच छ कॉलम्स हैं हमने अभी तक कितने बनाए हैं एक दो तीन चार पांच हमें एक और बनाना है कंट्रोल सी कंट्रोल पी सॉरी माइनस चार ये हमारे टोटल एटीन नोड्स बन चुके हैं आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं एक दो तीन एक दो तो, तीन चार पांच छू थ्री एटीन टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड ये हमारे बन चुके हैं ये था हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेट बनाना मतलब कि हमको बिल्डिंग में बीम या कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले उनके नोट पॉइंट बनाने पड़ते हैं ये एक्चुअली में उस बीम और कॉलम के जंक्शन के पॉइंट काम करेंगे तो ये हमने बना दिया है ये है हमारा सिंपल मेथड मतलब जिसमें हमने कोऑर्डिनेट को फिल करके इसका जॉइंट बना दिया है अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है जो इसको सिंपल कर देता है वो होता है अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूं, मैं ये मान लूं कि मैंने ये बनाया ही नहीं यस। yes. ये शुरुआत के मानिए मेरे नोड हैं। अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि सारे के सारे आपके जो कॉलम के नोड हैं, वो चार चार मीटर की स्पेसिंग पे हैं। एक दो तीन चार पांच तो आप एक कमांड होती है ट्रांजेशनल रिपीट ट्रांसलेशन रिपीट जड डायरेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स पांच बार आपको कॉपी करने हैं और उनकी डिफॉल्ट जो स्पेसिंग रहेगी चार मीटर रहेगी माइनस की आप यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए यहाँ पर अपने आप सबकी स्पेसिंग दिखा दिया आप ओके okay कर दीजिए ये देखिए ये आपके नोड बहुत ही कम टाइम में ये सारे सारे एक साथ जनरेट हो गए बस ये है कि इनकी कंडीशन होनी चाहिए कि ये सिमेट्रिकल हैं जब सिमेट्रिकल होंगे तभी आप ये चीज कमांड लगा सकते हैं ट्रांसलेशन रिपीट की वरना आपको एक एक करके ज्वाइंट कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पर खत्म हुआ आगे के लेक्चर में हम आपको आगे का बताएंगे थैंक यू